पर विशेष फोकस है, वो हम बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के इधर उधर नहीं जाने का मतलब और प्रशांत किशोर का जो तरीका है काम करने का, उसके बीच का क्या संबंध है। आपको बता दें कि इस बीच में प्रशांत किशोर को लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का स्विंग किस तरह से हो रहा है, ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने एक सर्वे रिपोर्ट मंगा करके इस पर गहन अध्ययन कर लिया है और इसके बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार फिर से एक बार अपनी बातों को रखने लगे हैं और एक्शन में आ गए हैं। चाहे वो हरियाणा में जाना हो नीतीश कुमार का, वहाँ जाकर के कार्यक्रम की बात हो, वहाँ निजी कार्यक्रम बता करके अपने पुत्र के साथ नजर आए हों, या फिर इसके बाद की कहानी आप समझिए कि पटना लौटने के बाद भी वो ऐसे ही एक कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में जाने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कही, निकाल करके देंगे। वोटों के प्रतिशत अधिक होने के कारण कहा यह जा रहा है कि लोगों ने वोट किया है, वो वोट आखिर किसके तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। तो दूसरा सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरह से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और 2025 के चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बेलागंज में नीतीश कुमार को जो सपोर्ट चाहिए था एनडीए गठबंधन के नेताओं से, वो नहीं मिला। प्रशांत किशोर की वहाँ भूमिका क्या होती है और नीतीश कुमार एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं बेलागंज में, जहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मनोरमा देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ 8 बार से चुनाव जीतते आ रहे सुरेंद्र यादव के पुत्र वहाँ से विश्वनाथ सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं लेकर के भीतर की बात। भीतर की बात में आज चूंकि दो राज्यों में चुनाव के वोटिंग पड़ रहे हैं, झारखंड में आज 38 सीटों पे, तो वहीं 288 सीटों पे महाराष्ट्र में भी वोटिंग चल रहा है और अब तक जो रुझान आया है उस रुझान में झारखंड ने सबको चौंकाया है, क्योंकि 11 बजे तक का जो वोटिंग का आंकड़ा है, प्रतिशत है, वो काफ़ी बेहतर है। इसके मायने क्या निकाले जाए, आप जानते हैं अक्सर ये देखा गया है। हमने आपको पिछले चुनाव में बिहार वाले में बताया था और देश के चुनाव में भी हमने बताया था कि जब वोटों का प्रतिशत बढ़ता है तो अधिकांश समय में सत्ता परिवर्तन के लिए लोग जोर लगाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और सत्ता बदलने के लिए उनके भीतर एक रोष होता है जिसको प्रकट करने के लिए वो ईवीएम का बटन दबाते हैं। खैर, इन सब बातों के साथ साथ ये तो चल ही रहा है, लेकिन इधर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं हो रही है तो वो चर्चा है बिहार में सत्ता परिवर्तन या नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के। नीतीश कुमार बार बार, आज भी जब हम आपसे आमना सामना कर रहे हैं, आपसे हम और खबरों पे बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे करने के आए हैं, लेकिन फिर से एक बार नीतीश कुमार का वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे वाला जो उनका बयान है लगातार, जो एक तरह समझिए कि रिकॉर्ड नहीं घिस जाता है तो रिकॉर्ड घिस जाता है तो देखिए कि एक ही जगह आकर के टिक जाता है और वही रिपीट होते रहता है। नीतीश कुमार भी उसी तरह से अब इधर उधर नहीं जाएंगे वाला बात रिपीट कर रहे हैं, तो आखिर किधर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब खोजने आप जाते हैं तो आपको कई तरह के सवाल मजबूर कर देते हैं उसके तह में जाने के लिए। ऐसा ही कुछ सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक नया फिर से प्रयोग लंबे समय के बस्ते में डाले हुए प्रयोग को फिर से सामने ला करके हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर वोटों को या लोगों को पोलराइज करने की कोशिश शुरू कर चुका है। बिहार में ये नहीं हो रहा था, लेकिन बिहार में भी इसकी शुरुआत हो गई है और गिरिराज सिंह ने इसका कमान संभाला है। गिरिराज सिंह ने बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया और इस नारे के साथ साथ नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि क्या नीतीश कुमार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो वोट उनसे कट करके छटक करके दूसरी तरफ जाएंगे वो वोट हिंदुत्व वाला वोटर पूरा कर देगा क्या? क्या इसीलिए नीतीश कुमार चुपचाप हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? तो दूसरी तरफ एक और बात सामने नज़र आता है कि क्या नीतीश कुमार इन 4 सीटों के परिणाम पर नज़र गड़ाए हुए हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं? धीरे धीरे करके नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के लौकुश समीकरण टूटा है, ये बात साफ 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल गई है। अब नीतीश कुमार इस पर मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और उनको ऐसा लगने लगा है कि एनडीए में अब कौन है, सबको आजमा लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तरफ से आजमा लिया कि कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ रोकने में एनडीए
कामयाब नहीं हो पाई है, चाहे वो 2024 का चुनाव हो या फिर 23 तारीख को जो आने वाले परिणाम होंगे, उस परिणाम के बाद पता चलेगा कि आखिर इस इन वोटरों ने क्या फैसला किया है। अब ऐसी स्थिति में कुशवाहा वोट को ट्रांसफ़र कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर ये वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, नीतीश कुमार के पास एक बड़ा प्रश्न है। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार इधर उधर नहीं जाने की बात कहते हुए भी यू टर्न का जो रास्ता है वो बार बार लोगों के जहन में निकल नहीं पा रहा है। प्रशांत किशोर पर विशेष फोकस है, प्रशांत किशोर पर विशेष फोकस है, वो हम बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के इधर उधर नहीं जाने का मतलब और प्रशांत किशोर का जो तरीका है काम करने का उसके बीच का क्या संबंध है। आपको बता दें कि इस बीच में प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत सारी बातें तो कही जा रही थी, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का स्विंग किस तरह से हो रहा है ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने एक सर्वे रिपोर्ट मंगा करके इस पर गहन अध्ययन कर लिया है और इसके बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार फिर से एक बार अपनी बातों को रखने लगे हैं और एक्शन में आ गए हैं। चाहे वो हरियाणा में जाना हो नीतीश कुमार का, वहाँ जाकर के कार्यक्रम की बात हो, वहाँ निजी कार्यक्रम बता करके अपने पुत्र के साथ नजर आए हों, या फिर इसके बाद की कहानी आप समझिए कि पटना लौटने के बाद भी वह ऐसे ही एक कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में जाने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कही। बहुत तेज़ी में है नीतीश कुमार नौकरी का जो मामला है उसको जल्दी जल्दी निपटाने के, इसके पीछे भी कुछ कहानी ज़रूर होगी। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को क्रेडिट लेने नहीं दिया, तेजस्वी यादव लगातार क्रेडिट लेना चाह रहे थे लेकिन वो क्रेडिट नीतीश कुमार ने अपने तरफ रखा, जिसमें 4 से 6 लाख लोगों को नौकरी और रोज़गार देने की बात थी। अब इसके बाद 2025 के लिए किस नई स्ट्रेटजी के तहत मैदान में उतरेंगे, नीतीश कुमार को पता है कि एक तरफ उनका वोट जो है वो धीरे धीरे उनके तरफ से शिफ्ट हो रहा है, छिटक रहा है, तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होगी क्योंकि नीतीश कुमार तब 20 साल सत्ता में बरकरार रहेंगे। आने वाले कुछ सालों को लेकर के नई रणनीति और नई योजना क्या होगी इस पर भी, क्योंकि घिसे पीटे जो नीतीश कुमार के जो चले आ रहे हैं 7 निश्चय योजना और वगैरह वगैरह, ये सब सफ़ेद हाथी की तरह नज़र आने लगे हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं आरोप लगने लगा है। तो वहीं नीतीश कुमार के ट्रिपल सी को लेकर के लोगों का जो कॉन्फिडेंट था कि नीतीश कुमार ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं कई ऐसे अवसर पर नीतीश कुमार इससे आँख मूंदते हुए नजर आए हैं। चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के कम्युनल एजेंडे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा हो, या फिर क्राइम की बात करें या करप्शन की बात करें, ये सब कुछ नज़र आ रहे हैं और नीतीश कुमार के अधिकारी भी इसमें आरोपी बनाए जा रहे हैं। इन सब के साथ साथ अब जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ नज़र गड़ाए हुए हैं। हालांकि दोनों ही जगह नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव लड़के भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो वहीं महाराष्ट्र में भी उनकी उपयोगिता बिल्कुल शून्य रही, लेकिन बिहार के लोगों की उपयोगिता शून्य नहीं है। बिहार के लोग और महाराष्ट्र का चुनाव, दोनों का संबंध बहुत गहरा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का चुनाव 13 तारीख को भी हो सकता था लेकिन उस चुनाव को 20 तारीख तक के लिए लेकर के गए। उसके पीछे भी एक कारण था कि जब महाराष्ट्र बिहारियों से फिर से भर जाए, जो ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर के जो लोग आते हैं वो लोग फिर से वापस आ जाए तब वोटिंग हो, और यही हुआ भी। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को छठ के बाद इस्तेमाल किया गया, जम करके उनसे प्रचार कराया गया, जितने भी भोजपुरी स्टार हैं उन लोगों को बुलाया गया, मगही स्टार को बुलाया गया, और बिहार से जो जुड़े हुए वोटर हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन लोगों को एक बार फिर से साधने की कोशिश की गई। तो वहीं दूसरी तरफ एक साल बाद नीतीश कुमार जब चुनावी मैदान में होंगे, चुनाव हो रहा होगा बिहार में, तो उस समय छठ का समय होगा और लोग बिहार पहुंचे होंगे, यानी कि उनका मूड क्या है महाराष्ट्र में और झारखंड में, ये देखने के लिए 23 तारीख का डेट काफ़ी अहमियत रखता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य समस्या भी एक बड़ा कारण है जिसको लेकर के नीतीश कुमार को कोई फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार को आइडियोलॉजी से समझौता, और बार बार नीतीश कुमार की सरकार द्वारा लिए गए फैसले और नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसलों पर उंगली उठना, ये सब कुछ नीतीश कुमार कहीं ना कहीं
बहुत गौर से देख रहे हैं और इसके रिजल्ट का भी वो परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो ये सवाल हल किए हैं उसके परिणाम क्या आएंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए इधर उधर जाने की जो बातें बार बार कह रहे हैं उसमें आखिर वो किधर रहेंगे, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, तो आखिर किधर जाएंगे, ये सवाल सबके जहन में है। और महाराष्ट्र बिहार के लोगों का जो स्थिति है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, झारखंड के भी स्थिति को आप जोड़ सकते हैं। झारखंड के चुनाव परिणाम निश्चित रूप से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच का डिफरेंसेस निकाल करके देंगे। वोटों के प्रतिशत अधिक होने के कारण कहा यह जा रहा है कि लोगों ने वोट किया है, वो वोट आखिर किसके तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। तो दूसरा सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरह से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बेलागंज में नीतीश कुमार को जो सपोर्ट चाहिए था एनडीए गठबंधन के नेताओं से वो नहीं मिला। प्रशांत किशोर की वहाँ भूमिका क्या होती है और नीतीश कुमार एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं बेलागंज में जहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मनोरमा देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ 8 बार से चुनाव जीतते आ रहे सुरेंद्र यादव के पुत्र वहाँ से विश्वनाथ सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई है क्योंकि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार मोहम्मद अमजद मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज का रुझान क्या रहता है ये बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है और आज जब वोटिंग हो जाएगा और आज का पूरा जब आंकड़ा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद 23 तारीख के रिजल्ट का भी इंतज़ार हो सकता है। तो नीतीश कुमार नहीं करें और इधर उधर नहीं तो किधर जाएंगे ये फैसला कर लें। एक चर्चा भीतर खाने में बहुत चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें नीतीश कुमार ने आज से 1 साल पहले ये बात कही थी कि वो पहले और दूसरे गठबंधन में नहीं, न इसमें न उसमें जाएंगे, बल्कि वो एक नंबर गठबंधन बनाएंगे और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू भी की थी। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गली और इंडिया गठबंधन में उनको सही सम्मान नहीं मिला। अब एक तीसरा मोर्चा बिहार में पैदा हो गया है प्रशांत किशोर, जिसकी चर्चा हमने बीच में ही छोड़ दी थी। प्रशांत किशोर का एक्शन क्या रहता है, एक्ट क्या करते हैं? हालांकि प्रशांत किशोर जिस तरह से चुनावी मैदान में अचानक से उतरे उसको लेकर के उनका साहसिक कदम बताया जा रहा था, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जिस साहसिक कदम को की सराहना की जा रही थी और उनके कैंडिडेट को वोट नहीं आते हैं, अगर 2,000, 4,000 और 5,000 के 10,000 से भीतर टिक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का भी माप तौल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तिरहुत में आपने देखा कि प्रशांत किशोर भले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हों लेकिन खुद नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या समझा जाए कि क्या नीतीश कुमार एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को इधर उधर का गठबंधन कहते हैं तो फिर किधर के गठबंधन को नीतीश कुमार सही गठबंधन कहते हैं? नीतीश कुमार को बहुत सारे फैसले लेने हैं। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा इस बात का फैसला लेना है, कौन होगा, किस जाति से होगा, उनके समीकरण से होगा या समीकरण के बाहर का होगा, नीतीश कुमार की कुर्सी मुख्यमंत्री की किसको हस्तांतरित होगी, क्या चुनाव में मजबूत टसन दे करके तेजस्वी यादव इस पर कब्जा करेंगे या फिर चिराग पासवान कोई खेल करेंगे, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी, वो किस तरह का खेल करेंगे, ये सभी कुछ जोड़ा और घटाया जा रहा है। इसी बीच में नीतीश कुमार को ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर भीतर ही भीतर कोई खेल कर रहे हैं। सभी जगह को छोड़ दीजिए तो प्रशांत किशोर ने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि सबसे अधिक मुसलमान जिस क्षेत्र में है वहाँ से उन्होंने मुसलमानों को उतारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का यस वोटर यानी कि जो सवर्ण वोटर है वो कुछ हद तक अति पिछड़ा समाज जिसको लेकर के प्रशांत किशोर बहुत आशान्वित है और नीतीश कुमार का भी एक कोर वोटर रहा है, इसके अलावे मुस्लिम वोटरों को यदि तोड़ने में अपने पक्ष में लाने में सफल हो गए प्रशांत किशोर तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ये आइडियल सिचुएशन होगा जहां वो इधर उधर नहीं बल्कि किधर जाएंगे ये फैसला ले लें। बिहार की राजनीति में अभी बहुत सारे घमासान होने बाकी है। 2025 का चुनाव जितना आसान लग रहा था उतना होने वाला नहीं है। इस चुनाव में बहुत लोगों की जो इच्छा है, बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा है, वो बनेगी भी बिगड़ेगी भी।
देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। पहले तो 23 तारीख का इंतज़ार कीजिए और उससे पहले नीतीश कुमार के फैसले का भी इंतज़ार कीजिए। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेड मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।